दुकान पे आ रहे हैं। बताओ बताओ ना मेरे हाथ में, मेरे हाथ में बताओ ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, दिन भी निकल गया है, अपने कामों से हम लोग लग गए हैं। आज मैं क्या करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या जब भी हम कोई कंपनी में काम करते हैं, उसमें जब नए पोजिशंस आती है, जो लोगों के प्रमोशंस होते हैं, कुछ लोगों का इलेक्शंस होता है, कुछ लोग अपॉइंटमेंट होता है कुछ लोगों का, तो बहुत खुशी होती है और दिल से दुआ भी निकलती है। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसके इलेक्शन हुए हैं हाल ही में और उसके रिजल्ट्स भी आए हैं, मैं भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बात यह है कि मैं अपने व्लॉग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। वो सेशन ये है कि जिस तरह से मन की बात होती है देश के अंदर, धन की बात होती है, जन की बात होती है, मैं शुरू करने जा रहा हूँ काम की बात। एक ऐसा सेशन कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी और कुछ अपने ख्यालात भी आपके सामने रखेंगे। वो वाले सेशन हर व्लॉग में मेरा नहीं रहेगा, लेकिन जिस भी व्लॉग में रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छे स्टडी के साथ उसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। हाँ, तो काम की बात एक ऐसा सेशन मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने व्लॉग के अंदर, और पता नहीं आज के व्लॉग में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हुआ है, होता है, तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो औरंगाबाद के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है जिसमें ऑल इंडिया ZDC जमा होती है और उन्होंने इलेक्ट किया है नेशनल प्रेसिडेंट SI ऑफ इंडिया रमीश ईके को, जो केरल से है। उसके बाद ये सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है, इसके अंदर टोटल 19 लोग हैं जो अलग 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 स्टेट से हैं, और ये लोग जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं SIO की। उसके बाद ये SIO की नेशनल टीम है जिसके अंदर नेशनल प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है और अदर नेशनल सेक्रेटरीज है जो इस 2 सालों के अंदर काम करेंगे, 2023 एंड 24 के अंदर। और जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो जियाउर रहमान यवतमाल से है, तो ये महाराष्ट्र नॉर्थ जोन जहाँ पे अपन रहते हैं, तो वहाँ की ये इलेक्शन के हालिया रिजल्ट है। तो एक अजीब बात ये होती है कि जब यहाँ पे कोई अपॉइंट होता है, इलेक्ट होता है, तो किसी भी तरह का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता या किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं होता, बल्कि ये लोगों के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। ये एहसास ही जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी उन पर आई है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। बस हम लोग जो कर सकते हैं वो उनके लिए दुआ कर सकते हैं। यही थी आज की एक बड़ी अपडेट, बड़ी न्यूज़ थी, और बहुत अच्छा लगता है कि जब इस तरह के हमारे नए जिम्मेदारान जो है वो टीम में आते हैं। काम की बात वाले सेशन में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिकल और रिलीजियस जो मेरे थॉट्स हैं, ये जो ट्रेंडिंग चीज़ें होती है, रोज़ कुछ ना कुछ होता है, उसके ऊपर मैं अपने आइडियाज़ आपके सामने रख सकूँ, ताकि आप लोग भी इससे इंटरेक्ट हो सके, आप भी अपने ख्यालात रख सके, और आप लोग जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं इसके ऊपर जो भी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जो भी चीज़ें डालेंगे, मैं उसको भी उसके अंदर कोट करने की कोशिश करूंगा। तो हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम अपने आइडियाज़ भी जानेंगे, अपने आइडियाज़ को प्रमोट भी करेंगे, और आपका क्या उसके ऊपर ख्याल है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को मैं उसमें लाइव भी लूंगा, तो आप लोग रहिए, वो बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और वो सेशन जो हमारा होगा उसके अंदर हम प्योरली डिस्कस करेंगे, ताकि जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, उनको कुछ उससे फायदा हो सके। तो ठीक है, तो चलिए पहले व्लॉग में क्या हो सकता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और बाद में हम बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम देखते थे कि हमारे घरों पर बहुत ज़्यादा बंदर नज़र आते थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी और नेटवर्क होने की वजह से बहुत कम हो गए हैं जानवर हमारे घरों पर आना। अरे बाप रे, बंदर आ इधर, आ इधर आ। वाह वाह वाह, तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहने आज आपने, हमको तो अच्छा लग रहा है आपका ड्रेस। हमको देंगे एक दिन पहनने के लिए? नहीं। अच्छा, आपने ब्लेजर पहने, हम कहीं जाएंगे बाहर फंक्शन में तो देना, चश्मा हो जाएगा, तो चश्मा देंगे क्या आप हमको? मैं बाहर निकला तो सीन ये था कि साथ के अब्बू का मुर्गा, उनको बहुत सता रहा था कुछ दिनों से, और वो घर में जा नहीं रहा था, तो ये इसको सब पकड़ के घर में डाल रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि चलिए गांव के अंदर इस तरह का मज़ा फिर कभी मिलता है नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इनकी हेल्प कर दूँ ताकि मुर्गे को उसके घर के अंदर पहुँचा सके। तो देखिए, आप भी देखिए किस तरह से हमने बहुत मेहनत की। उसको अंदर जा लेके जाना है ना घर में। चल 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 उधर जा। हाँ, वेरी गुड, क्या बात है, उमर को तो पता है कैसे लेके जाना उसको। भाई फाइनली चला गया मुर्गा अंदर, फुरकान आया नहीं ना मुर्गे को, ये वाला बाहर घूम रहा मुर्गा। चलेगा घर में, चलेगा, मिशन अपना सक्सेस हो गया, गया हुआ है ना, सतारा वो बहुत मुर्गा है ना। बहुत सतारा, नहीं ये
अरे ये तो गलत हो गया, वो तो डबल बाहर आ गया वो तो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अरे यार डबल आ गया बाहर मुर्गा, ये तो अलग ही खेल हो गया। मेरे को लगा था मिशन सक्सेसफुल हो गया अपना। A few moments later. ले मुझे लोट लोट अंदर गया 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 अंदर गया भाई, मजा आया। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने पुराने घर, वहां से कुछ सामान लेके आना है। कुछ सामान था हमारा वहां पे, वो लेकर के आना है, और उसके बाद कुछ बहुत काम है तो वो काम निपटाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया मैं जा रहा था अपने घर, और ये दोनों आ रहे मेरे साथ, ये भी है वो भी है। और जब मैंने बोला कि आप लोग देखो क्या करो तो बताओ 5 रुपए, बताओ बताओ, तो इनके पास है 5 रुपए, तो बोले हम आपके साथ नहीं आ रहे, हम तो दुकान पे आ रहे हैं। बताओ बताओ ना, मेरे हाथ में रात में बताओ, अरे बताओ ना, ये लो चल रहे बाप पूछा से। तो भाग गए वो दोनों अपने अपने घर। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो बिल्कुल बाहर खड़े रहते हैं, फिर वो पूछते हैं शोएब चाचा कहाँ जा रहे हैं, शोएब अंकल कहाँ जा रहे हैं, शोएब भैया कहाँ जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है बच्चे जब भी बातचीत करते हैं तो। ए, क्या कर रहे क्या कर रही लूसी, खाना खाई क्या लूसी ने? अच्छी लग रही लूसी, खाना बराबर टाइम पे मिल रहा क्या उसको? चलो। तो लूसी बैठी हुई थी दुकान पर, और अब जब मैं आया घर के अंदर तो मेरे साथ अब आ गई और व्याव व्याव कर रही है, हालांकि इसका पेट भरा हुआ है ना लूसी? बोलो बोलो लूसी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारी पड़ी हुई है पुरानी है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लेके जाना है, इसमें बुक्स है, मेरे कुछ सामान है, अब वो लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। पुराने घर में आकर के मुझे अक्सर वो गज़ल याद आ जाती है, जगजीत सिंह की जो गज़ल थी, और मेरी ऑल टाइम फेवरेट गज़ल है। मुझे जब तक अगर पूछेंगे, अगर मैं मर जाऊँगा मरे दम तक अगर कोई पूछेगा कि आपको कौन सी गज़ल सबसे अच्छी लगती है, तो मैं यही गज़ल सुनाऊँगा। तो ये देखिए मेरे खिलौने हैं जो बचपन में मेरे थे, और इसको देख कर मुझे वही गज़ल के वो टुकड़े याद आ गए के वो रेतों के ऊंचे ऊंचे टीलों पे जाना, गरहोंदे बनाना बना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। तो ये आ गई है हमारी शाम की चाय, और मैं आ गया हूँ अपने घर। तो ये बॉक्स भी हमको मिला है, अभी मैं उधर गया था तो ये आया है RMGP की तरफ से। ये था मग जो मुझे बहुत पहले शायद भेजा था, तो रफ़ी के मंजिल, छात्र विमर्श और दी कंपेनियन, इनका था ये, और मेरा फ़ोटो भी इसके ऊपर लगाया हुआ है। तो हाँ, ये छात्र विमर्श और इनकी तरफ से है। तो ये अगर आप वाकई में समाज को बदलने के लिए कुछ अच्छी मैगजीन्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, तो आप छात्र विमर्श, रफ़ी के मंजिल, हिंदी अगर आप रीडर है तो छात्र विमर्श पढ़िए, उर्दू है तो रफ़ी के मंजिल पढ़िए, और इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं तो द कंपेनियन पढ़िए। तो अब ये कप मुझे मिला है, मैं इसको यूज़ करूँगा। नई नई चीज़ें बनाना और डेकोर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बैठक हमने बनाई है कि चाय पीने के लिए, कि यहाँ पे हम शाम की चाय पी सके, और साथ ही साथ काई कबीले का निशान आप जानते हैं, जो लोग अर्थुरुल सीरीज़ देखते हैं उनको पता है कि ये चीज़ क्या है। तो ये बहुत पहले हमने इसको बनाया था जब हम पुराने घर पे रहते थे, तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा एक सेटअप तैयार किया था कुछ एक काम के लिए, तो तब का है। तो मैं अभी पुराने घर गया था तो मुझे ये फ्लैग वहाँ पर दिखा, तो मैं लेकर के आ गया, मैं बोला चलो इसको अभी यहाँ पे यूज़ कर लेते, देखते क्या सबका रिस्पांस रहता, क्या कहते हैं। तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये लूसी पता नहीं मेरे पीछे पीछे क्यों फिर रही है, पता नहीं मेरे पीछे पीछे आ रही लूसी। मैं जा रहा हूँ अभी खामगांव, खामगांव में कुछ काम है मुझे, और मैं वहाँ पर
सबसे पहले जाऊंगा बैंक में, ताकि कुछ चीज़ें हैं बैंक की जो मुझे अपडेट भी करवाना है और कुछ चीज़ें बैंक से बनवाना है, तो मैं वहाँ जाऊंगा। तो ये मेरा बैग भी रेडी हो गया है, ये मेरा गॉगल तैयार है और मैं जा रहा हूँ। अगला व्लॉग यहीं से कंटिन्यू होगा। इस व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।